नमस्कार, मैं हरीश कुमार। आज मैं TGT PGT भूगोल का प्रैक्टिस सेट पार्ट फोर्थ लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट पार्ट वन से थर्ड तक में 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को उनकी व्याख्या सहित देखा था। आज हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न, चीन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, चीन एक गणतंत्र और साम्यवादी राज्य क्रमशः 1911 एवं 1949 में बना। बी ऑप्शन है, चीन की केवल 15% भूमि ही कृषि योग्य है। सी ऑप्शन है, संसार के समस्त खाद्यान्न उत्पादन में चीन भारत के पश्चात द्वितीय स्थान पर है। और डी ऑप्शन है, चीन की पीली नदी संज्ञा ह्वांगहो नदी को प्राप्त है। इसमें उत्तर सी होगा, ये सही नहीं है। संसार के समस्त खाद्यान्न उत्पादन में चीन भारत के पश्चात द्वितीय स्थान पर है, ये गलत है। जबकि चीन समस्त खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एशिया के अधिकांश देशों की तरह चीन भी कृषि प्रधान देश है। आज भी चीन की 63% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। चीन की केवल 15% भूमि ही कृषि योग्य है। आज चीन चावल, गेहूं, कपास, चाय, तंबाकू, मूंगफली, सब्जी और फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। मक्का उत्पादन में चीन दूसरे स्थान पर है तथा जूट के उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान रखता है। इस प्रकार संसार के समस्त खाद्यान्न उत्पादन में आज चीन का स्थान प्रथम है। चीन के मानचित्र में ये जो येलो कलर से दिखाया गया, ये क्रॉपलैंड है, जहाँ पे खेती होती है, यह खेती योग्य भूमि है और बाकी की भूमि में खेती नहीं होती है। ये लगभग चीन का 15% कुल क्षेत्रफल का 15% है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण नगरी के रूप में प्रसिद्ध है सिडनी, नौरू, पर्थ, कालगुर्ली। इसका उत्तर होगा डी, कालगुर्ली। ऑस्ट्रेलिया विश्व का तीसरा बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में देश की लगभग 80% सोना पैदा किया जाता है। इसमें प्रमुख स्थान है कूलगाड़ी, कालगुर्ली, नारसमैन। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में कालगुर्ली की अवस्थिति दर्शाई गई है। विश्व के 10 स्वर्ण उत्पादक देशों की सूची यहाँ दी गई है। नंबर 1 पे है चीन, 2 पे है रशिया, 3 पे है ऑस्ट्रेलिया, फिर है US, फिर कनाडा, घाना, ब्राज़ील, उज्बेकिस्तान, मेक्सिको और नंबर 10 पे है इंडोनेशिया। इस क्रम को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, USA की मक्का विशाल क्षेत्र की पश्चिमी सीमा कौन सी रेखा बनाती है? ऑप्शन ए, पॉडजोलिक मिट्टी की उत्तरी सीमा द्वारा। ऑप्शन बी, 200 पाला रहित दिन द्वारा। सी, 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा। और डी है, 100 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा द्वारा। इसका उत्तर होगा 100 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा द्वारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गेहूं और चावल के बाद मक्का तीसरा प्रमुख खाद्यान्न है। प्रोफेसर जेकिंस के अनुसार मक्का नई दुनिया द्वारा पुरानी दुनिया को दिया गया उपहार है। सबसे पहले कोलंबस द्वारा ये यूरोप लाया गया, फिर धीरे धीरे ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में फैल गया। USA में 90% तक पशुओं, विशेषकर सुअरों के चारे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पिछड़े देशों में खाद्यान्न के रूप में इसका प्रयोग होता है। USA के ग्रेट लेक्स से मेक्सिको की खाड़ी तक तथा अटलांटिक महासागर के तटीय भाग से लेके कंसास राज्य के पश्चिमी भाग तक ये फैला हुआ है। 40 दिन पाला मुक्त रेखा इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। मेक्सिको की खाड़ी इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। अटलांटिक तट इसकी पूर्वी सीमा बनाती है और 100 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा इस पेटी की पश्चिमी सीमा बनाती है। इस क्षेत्र को मक्का पेटी के नाम से जाना जाता है या कॉर्न बेल्ट के नाम से जाना जाता है। आयोवा राज्य के 45% कृषि भूमि पर मक्का की खेती होती है और USA के 20% सुअर पालन का केंद्रण यहाँ मिलता है। यहाँ से सुअर शिकागो की मांस मंडी में जाते हैं।
यहाँ मक्का और सुअर पालन का सामंजस्य स्थापित है, इसलिए कहा जाता है कि मक्का का परिवहन खुरों द्वारा होता है। सेंट लुइस विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी है। अब इसकी भौगोलिक दशाओं को देख लेते हैं। यह उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस में इसकी उपज हो सकती है। वर्षा लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। मिट्टी जो है जिसमें नाइट्रोजन एवं जीवाश्म बहुल दोमट आर्द्रता संचय मिट्टी श्रेष्ठ रहती है, तथा कम उपजाऊ मिट्टी में भी इसको उपजाया जा सकता है। विकसित देशों में मशीनों का प्रयोग होता है इसके उत्पादन में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। लैटिन अमेरिकी स्वतंत्र व्यापार संघ लाफ्टा की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1955, 1957, 1962, 1965। आपका उत्तर होगा सी 1962। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1960 की मॉन्टीवीडियो वार्ता के अनुसार 1962 में इसकी स्थापना हुई। ब्राजील, पेरू, पराग्वे, यूरुग्वे, अर्जेंटाइना, चिली और मैक्सिको इसके सदस्य राष्ट्र हैं। यूरोपीय साझा बाजार की तरह तटकर व्यापारिक नीति तथा कृषि औद्योगिक आर्थिक सहयोग का निश्चय किया गया, किंतु राजनीतिक अस्थिरता, सदस्य देशों का आपसी प्रतिस्पर्धा और पूंजी के अभाव और विकसित राष्ट्रों के व्यापारिक हथकंडों के कारण इस संगठन को पूरी सफलता नहीं मिल सकी। फलतः इस संघ का विश्व बाजार में कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं है। अगला प्रश्न है। प्रकृति आदेश नहीं किंतु अनुमति प्रदान करती है। कथन है, ऑप्शन है एल फेब्रे, लाबलास, जीन ब्रूंस, एफ श्रेडर। इसका उत्तर होगा सी जीन ब्रूंस। इस कथन को इन्होंने संभववाद विचारधारा के संदर्भ में दिया था। इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम ज्योग्राफी ह्यूमंस एसआईडी क्लासिफिकेशन पॉजिटिव है। इन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों को तीन प्रमुख वर्गों में बांटा है। पहला है मिट्टी के अनुत्पादक व्यवसाय, जिसमें इन्होंने घर और राजमार्ग को सम्मिलित किया है। दूसरा है पौधों और पशुओं पर विजय, जिसमें इन्होंने कृषि और पशुपालन को सम्मिलित किया है। तीसरा है विनाशकारी अर्थव्यवस्था, जिसमें खनिज संपत्ति का विदोहन और पौधों तथा पशुओं का विनाश सम्मिलित है। विनाशकारी आर्थिक क्रियाओं को आर्थिक लूट और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को लिटरेरी अर्थव्यवस्था कहा गया है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन पर इन्होंने जोर दिया। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, इनका प्रमुख कथन है जो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी में दिया गया है। ब्रूंस ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बुद्धिमान शक्ति, वाइज फोर्स, और सौर शक्ति को मूर्ख शक्ति, फुलिश फोर्स कहा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर विभिन्न दाब और घनत्व की वस्तुओं या प्रदेशों के बीच चट्टानों के वितरण द्वारा एक ऐसी संतुलन की अवस्था ला देती है जिससे सभी स्थानों के बीच स्थायित्व तो एवं संतुलन की अंतरधारा चलने लगती है। जबकि इसके विपरीत सौर शक्ति मूर्ख मानी गई है, क्योंकि इसका कार्य वायुमंडल संचालन में विषमता उत्पन्न करना है, जिससे धरातल में अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून सबसे कम समय के लिए किस राज्य में ठहरता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, असम। इसका उत्तर होगा बी पंजाब। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आपके सामने भारत का दो मानचित्र है, जिसमें एक में मानसून का आगमन और दूसरे में मानसून का प्रत्यावर्तन दिखाया गया है। पहले मानसून के आगमन को देख लेते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में निम्न दाब के कारण चापाकार आकृति में मानसून का आगमन होता है। मानसूनी पवनें 1 जून तक केरल के तट पर पहुंच जाती हैं, 10 जून तक मुंबई तथा कोलकाता, 15 जून तक मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश और 15 जुलाई तक के संपूर्ण भारत में पहुंच जाती हैं। मानसून का प्रत्यावर्तन, शीतकाल में पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का विकास होता है। मानसून का प्रत्यावर्तन भी चापाकार आकृति में होता है। यह 1 सितंबर से शुरू होता है और 15 दिसंबर तक पूरे भारत से लौट जाता है। लौटते वक्त बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर अक्टूबर नवंबर में उत्तरी सरकार पर, जबकि नवंबर दिसंबर में कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए फ्रेडरिक रेटजल, हेटनर, हार्टसोन, मैकिंडर।
दूसरी तरफ है क्षेत्र विवरण विज्ञान, वाल्कर कुंडे, ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज, भूगोल की प्रकृति। फ्रेडरिक ड्रेटजल की रचना है वाल्कर कुंडे। हेटनर ने भूगोल को क्षेत्र विवरण विज्ञान माना। हार्टसोन की रचना है भूगोल की प्रकृति और मैकिंडर की रचना है ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज। इस तरह हमारा उत्तर होगा ब 2, 1, 4, 3। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। रेडजल इनकी प्रमुख पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी जो 1882 में आई, फिर वाल्कर कुंडे पृथ्वी और जीवन राजनीतिक भूगोल जो 1897 में आई, इन्होंने राज्य का जैविक सिद्धांत दिया, लेविंस्ट्रम की संकल्पना इन्होंने दी जिसे लिविंग स्पेस इसका मतलब होता है, और इन्हें मानव भूगोल का जनक माना जाता है। अगले भूगोल वेता है हेटनर। हेटनर ने भूगोल को एक क्षेत्र विवरण विज्ञान कोरोलॉजिकल साइंस माना। लैंडशाफ्ट कुंडे शब्द का प्रयोग इन्होंने किया, इसका अर्थ होता है पृथ्वी की सतह का क्षेत्र वर्णन विज्ञान। भूगोल को इन्होंने इडियोग्राफिक प्रादेशिक माना है। इनकी प्रमुख पुस्तक है ज्योग्राफी इट्स हिस्ट्री एंड मेथड। अगले भूगोल वेता है हार्टसोन। हार्टसोन के अनुसार भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन है। एरियल डिफ्रेंशिएशन की संकल्पना इन्होंने दी। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं नेचर ऑफ ज्योग्राफी जो 1939 में प्रकाशित हुई, और दूसरी है पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी जो 1959 में प्रकाशित हुई। अगले भूगोलवेता हैं मैकिंडर। इनकी प्रमुख पुस्तक है ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज जो 1902 में प्रकाशित हुई, इतिहास की भौगोलिक धुरी जो 1904 में प्रकाशित हुई, इसे हार्टलैंड थ्योरी ऑफ मैकिंडर भी कहा जाता है। इनकी तीसरी पुस्तक है डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी जो 1919 में प्रकाशित हुई। हार्टलैंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने इसी पुस्तक में किया। इनकी चौथी पुस्तक है द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस जो 1943 में प्रकाशित हुई। मध्य क्षेत्र बेसिन या मिडलैंड बेसिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने इसी में किया। अगला प्रश्न है वेलैंड नहर जोड़ती है, ऑप्शन है इरी ह्यूरन, इरी ओंटोरियो, सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरन सुपीरियर। इसका उत्तर होगा बी इरी ओंटोरियो। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वेलैंड नहर इरी और ओंटोरियो झील को जोड़ने वाली नहर के मध्य नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से मिलाती है। इन झीलों के बीच में सेंट मेरी प्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है वोल्गा औद्योगिक क्षेत्र में विकसित है, ऑप्शन प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम, लौह अयस्क, रासायनिक उद्योग, वस्त्र उद्योग। इसका उत्तर होगा ए प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। यह यूराल पर्वत तथा वोल्गा नदी के बीच में स्थित है। यह सोवियत संघ का 3/4 तेल प्रदान करता है। इसे द्वितीय बाकू सेकेंड बाकू भी कहते हैं। उफा, पर्म, क्यूबिशेव, मोलोटोव तथा साराटोव इसके महत्वपूर्ण तेल के कुएं हैं। 5,500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन क्यूबिशेव केंद्र को पूर्वी यूरोपीय देशों पोलैंड, जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया और हंगरी से जोड़ती है। इसे मैत्री पाइपलाइन या फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मानव प्रकृति का दास है किस विचारधारा से संबंधित है, ऑप्शन है निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, प्रसंभववाद। इसका उत्तर होगा ए निश्चयवाद। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह मानव भूगोल की प्रथम व प्राचीन विचारधारा है। मनुष्य परिस्थितियों का दास है, मनुष्य एक निष्क्रिय अभिकर्ता है। प्रकृति जैसा चाहती है मानव व्यवहार उसी प्रकार होता है। किसी भी क्षेत्र में मानव की आकृति, भोजन, वस्त्र, आर्थिक व्यवस्था, उद्योग, धर्म, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था सभी प्राकृतिक वातावरण से ही निर्धारित होते हैं। इसे मानव भूगोल की जर्मन विचारधारा भी कहते हैं क्योंकि इसे एक विचारधारा के रूप में 19वीं शताब्दी में जर्मन भूगोलवेताओं ने विकसित किया। प्राचीन काल से ही अलग अलग विद्वानों ने इस पर अपने विचार दिए हैं। जैसे अरस्तु ने बताया कि शीत प्रधान जलवायु के लोग बहादुर, शक्तिशाली किंतु मंदबुद्धि होते हैं। इसी तरह ग्रीष्म प्रधान जलवायु के लोग बुद्धिमान किंतु डरपोक और कमजोर
आलसी होते हैं, जबकि शीतोष्ण जलवायु के लोग बुद्धिमान और बहादुर होते हैं। इसी तरह हिप्पोक्रेटस, मॉन्टेस्क्यू, अल-मसूदी, कांट, कार्ल रिटर, डार्विन, अर्नेस्ट हैकल, डेमोलिंस, बकल, फ्रेडरिक लिप्ले, रेडजल, सैम्पुल, हटिंगटन ने इस पर अपने विचार दिए हैं। भूगोलवेताओं और उनकी पुस्तक के कथनों को देख लेते हैं। हिप्पोक्रेटस वायु, जल और स्थान, अरस्तु की पुस्तक है राजनीति पॉलिटिक्स, डार्विन की पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डेमोलिंस ने कहा है समाज पर्यावरण की देन है, फ्रेडरिक लिप्ले ने कहा है स्थान कार्य लोक, एलन चर्चिल सैम्पुल की पुस्तक का नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट जो 1911 में प्रकाशित हुई, इसी में इन्होंने कहा कि मनुष्य भूतल की उपज है या मनुष्य पृथ्वी की उपज है।